तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश का चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर नंबर 2, अ फ्रेंडली मंगूस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी का जो नाम है वह है अ फ्रेंडली मंगूस। तो इसका मतलब होता है एक भावदायक या फिर फैमिलियर यानी जो दूसरों से एक दोस्त या परिवार का मेंबर। नेवला मंगूस यानी होता है नेवला। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ। एक समय एक किसान था और उसकी पत्नी थी। लिव्ड इन अ विलेज, वह एक गांव में रहते थे। विद देयर स्मॉल सन, उनके एक छोटे शिशु के साथ। दे लव्ड हिम वेरी मच, वह उसे बहुत प्यार करते थे। वी मच मस्ट हैव अ पेट, उनके पास एक पेट भी था यानी एक पालतू जानवर भी था। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे, एक दिन फार्मर ने अपनी पत्नी से कहा, व्हेन योर सन ग्रोज अप, जब हमारा बच्चा बढ़ जाएगा मतलब बड़ा हो जाएगा, ही विल नीड अ कंपेनियन, उसे एक साथी की ज़रूरत होगी। दिस पैट विल बी अवर सन्स कंपेनियन, यह जो पालतू जानवर है वह हमारे सन का यानी पुत्र का कंपेनियन यानी साथी होगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया, उसकी पत्नी ने सहमति जताई। वन इवनिंग द फार्मर बॉट विथ हिम अ टिनी मंगूस, और उसी दिन एक दिन जो किसान था वह एक छोटा सा मंगूस यानी नेवला खरीद कर ले आया। इट्स अ बेबी मंगूस, यह एक बच्चा नेवला था। सैड इज वाइफ, उसकी पत्नी ने कहा, बट विल सन सून बी फुली ग्रोन, लेकिन वह तो जल्दी बड़ा हो जाएगा। ही विल अ फ्रेंड टू अवर सन, यह हमारे बच्चे का एक दोस्त है। चलिए और आगे पढ़ते हैं। तो बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रो, तो जो दोनों थे बेबी मंगूस और जो बच्चा था फार्मर का, वे दोनों अब बड़े हो गए। मतलब इन 5 और 6 months, सिर्फ 5 और 6 महीने में द मंगूस हैड ग्रोन इट इज फुल साइज, जो नेवला था वह अपने पूरे साइज में बढ़ गया। अ लवली एनिमल विद 2 shining black eyes, एक बहुत ही सुंदर प्यारा जानवर 2 चमकीली आँखों के साथ एंड अ बजी टेल यानी एक रुएदार टेल के साथ। द फार्मर शन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल, लेकिन जो किसान का बच्चा था वह अभी भी एक छोटा सा बच्चा था अपने झूले में। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, वह सोता था और कभी भी रोने लगता था। वन डे द फार्मर वाइफ वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट, एक दिन फार्मर की वाइफ ने यानी किसान की पत्नी ने चाहा कि वह मार्केट जाए। शी फेड द बेबी एंड रूक्ड हिम, वह नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा अकेला, वह उसका बच्चा जो था वह सो रहा था इन हिज लिटिल क्रेडल, उसके एक छोटे झूले में। पिकिंग अप द बास्केट, उसने बास्केट उठाई। शी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति से कहा, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, हमारा बच्चा जो है वह सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम यानी अपनी एक आंख उस पर रखना। फ्रेंकली, ऐसे ही उसने कहा, आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस, मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारा जो बच्चा है वह अकेले उस नेवले के साथ रहे। यू नीडंट बी अफ्रेड, आपको तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फार्मर ने कहा अपनी पत्नी से। द मंगूस इज अ फ्रेंडली एनिमल, जो नेवला है वह एक फ्रेंडली एनिमल यानी फैमिलियर है यानी वह किसी को चोट नहीं पहुँचाता है। इट्स एज स्वीट एज अवर बेबी एंड दे आर इज द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, वह हमारे बच्चे के लिए बहुत स्वीट है यानी मृदुल है और वह जो है वह बेस्ट फ्रेंड्स हैं। यू नो, तुम जानती हो। द वाइफ वेंट अवे, जो पत्नी थी वह चली गई। एंड द फार्मर्स, और जो फार्मर था हैविंग नथिंग टू डू, उसके पास कुछ नहीं था करने के लिए इन द हाउस घर में, डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड, उसने डिसाइड किया कि वह बाहर जाएगा और वह अपने खेतों का जायजा लेगा। नॉट फार अवे, ज़्यादा दूर नहीं, ही रेन इनटू सम फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के साथ निकल गया। ऑन द वे बैक एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम्स, वह जो है अपने दोस्तों के साथ चला गया आते समय एंड नहीं आया वापस फॉर क्वाइट सम टाइम यानी कुछ समय के लिए। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम, जो
किसान की पत्नी थी उसने अपनी शॉपिंग खत्म करी और फिर वह घर वापस आ गई विद द बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी। जो एक बास्केट थी वह फुल ऑफ ग्रोसरीज यानी घर के सामानों से भरी थी। शी सॉ द मंगूज सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। उसने देखा कि जो मंगूज है वह बाहर बैठा था और उसका इंतजार कर रहा था। ऑन सीइंग हर ही रेन टू वेलकम हर। उसने जैसे ही उसको देखा तो वह वेलकम करने के लिए उसको गेट पर चला गया एज वॉज कस्टमरी यानी जैसे कि वह कस्टमर का स्वागत कर रहा हो। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट मंगूज एंड स्क्रीम। फार्मर की पत्नी ने जैसे ही मंगूज को देखा वह आश्चर्यचकित रह गई। ब्लड खून शी क्राइड। उसने रोया। द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगूज वर स्ट्रीम्ड विद द ब्लड। जो नेवले के जो पैर और मुंह था वह खून से सना हुआ था। यू विक्ड एनिमल। तुम पागल एनिमल। यू हैव किल्ड माई बेबी। तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। शी स्क्रीम हर्स्टरेसली। उसने रोते हुए कहा। शी वॉज ब्लाइंड विथ रेज। वह अंधी हो गई थी इसमें। एंड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ बॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। उन्होंने उसने जो है वह हैवी बास्केट जो है फुल ऑफ ग्रोसरीज लाने उससे भरी हुई उसने जो बास्केट थी उसको जल्दी से मारा। चलिए आगे पढ़ते हैं। ऑन द ब्लड स्क्रीन जहाँ पर ब्लड था। ऑन द ब्लड स्क्रीन मंगूज एंड रेन इनसाइड टू द चाइल्ड क्रेडल। उसने उसको मारा और उसने देखा कि ब्लड जो है वहाँ पड़ा हुआ था। मंगूज एंड रेन इनसाइड। उसने मंगूज को मारा और फिर अंदर चली गई उसके बच्चे के झूले में। द बेबी वॉज फास्ट स्लीप। जो बच्चा था वह बहुत गहरी नींद में सो रहा था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। लेकिन जमीन पर एक काला सांप पड़ा हुआ था जो खून से लथपथ था। इन अ फ्लैश शी रिलीज्ड व्हाट हैड। उसने रियलाइज किया कि अब क्या हुआ था। एंड रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड कि क्या हुआ था। शी रेन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज। वह बाहर गई दौड़ते हुए कि मंगूज को देखने। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड। तुमने तो मेरे बच्चे को बचाया था। यू किल्ड द स्नेक। तुमने सांप को मारा। यू हैव आई डन। व्हाट हैव आई डन। लेकिन मैंने क्या किया। शी क्राइड टचिंग द मंगूज। उसने रोना शुरू कर दिया और मंगूज को छुआ। यू ले डेड। तुम तो मर गए। एंड स्टिल अनवेयर ऑफ हर शॉबिंग। वह अपनी करनी पर पछतावा हो रहा था उसको। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टली। फार्मर की पत्नी जो बहुत ही ज़्यादा निर्दय कठोरता से पेश आई थी एंड रेशली कठोरता से स्टर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूज। वह रोने लगी जब तक क्योंकि मंगूज मर गया था। देन शी हियर्ड द बेबी क्राइंग। तभी उसने सुना जो बच्चा है वह रो रहा है। विपिंग हर टीयर्स। उसने उसके आंसू पहुँचे। सी वेंट इन टू फीड हिम। और वह उसको खाना खिलाने चली गई। यह स्टोरी जो है वो पंचतंत्र से ली गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगली वीडियो डलेगी परसों। तो बाय बाय।